एक छोटे से कार्यक्रम में बहुत ही स्वादिष्ट और उच्च कोटि का पुलाव बनाया गया था। बासमती चावल से बने पुलाव की खुशबू ने वातावरण को सुगंधित कर दिया था। कार्यक्रम समय से पीछे चल रहा था। स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को कड़क भूख लगी हुई थी और पुलाव की खुशबू ने सभी के मुंह में पानी भर दिया था। पुलाव को अच्छे तरीके से परोस दिया गया और सभी लोग पुलाव खाने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक रसोई ने आकर बताया कि पुलाव बनाते समय एक कंकड़ का टुकड़ा जो चावलों के रंग का था शायद पुलाव में रह गया है, जो काफ़ी कोशिश करने के पश्चात भी मुझे नहीं मिला है। अभी मैं कह नहीं सकता कि खाते वक्त किसके मुंह में आएगा और पुलाव खाते समय यदि किसी के दांतों के बीच आया तो जख्म भी हो सकता है। पुलाव बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट बना है। भूख भी दबाकर लगी है, मुंह में पानी भी आया हुआ है, लेकिन पुलाव खाने का मज़ा जा चुका है। पुलाव को स्वाद लेकर खाने की सहजता को खोकर प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर पुलाव सावधानी से खा रहा है। पता नहीं किस व्यक्ति के मुंह में कंकड़ आ जाए। हर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कंकड़ उसी के मुंह में आने वाला है। कार्यक्रम में पुलाव खाने का मज़ा जा चुका था और हर व्यक्ति के जागरूक और सावधान होने की वजह से वार्तालाप बंद हो चुका था। हंसी मजाक थम गया था और सभी ने सावधानी पूर्वक अपना भोजन करते हुए भोजन को समाप्त किया। उसके बाद हाथ धोकर जब वार्तालाप करने लगे तो ध्यान में आया कि खाने में कंकड़ तो किसी के भी नहीं आया है। तुरंत रसोइयों को बुलाकर पूछा तो उसने कहा कि चावलों में बहुत सारे कंकड़ थे, मैंने सभी निकाल दिए थे, लेकिन हो सकता था कि एक आध कंकड़ आ जाए, ऐसा मैंने महसूस किया था और आप सभी को बता दिया। अब सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट और उत्तम था, लेकिन पुलाव के स्वाद पर चर्चा नहीं हुई। भोजन के पश्चात एक अजीबोगरीब थकान महसूस हो रही थी, कारण भोजन करते समय उसकी सहजता चली गई थी। मुंह के जबड़े और जुबान की सहजता असामान्य हो गई थी और भोजन कष्टदायक व स्वादहीन हो गया था। और ऐसा ही आज हमारे जीवन में भी हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से हमारा हाल भी पुलाव के कंकड़ के समान हो गया है। कह नहीं सकते कंकड़ किसके नसीब में आएगा। हमारे रोजमर्रा के जीवन की जीने की सहजता लुप्त सी हो गई है। जो हमें रोज़ की मदद करने वाले हाथ हैं, जैसे दूध वाला, सब्जी वाला, पेपर वाला, किराने वाला, हम संकित नज़रों से देख रहे हैं। पता नहीं जीवन यापन वस्तु देते समय यह हमें और क्या दे जाएगा। इसी शंका में दिन रात चिंतित होकर जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन की आज़ादी खो चुके और पता नहीं कब तक यह चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिंदगी में जीवन की सहायता का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह अब हमें समझ आ गया है। बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में भी कभी कल्पना नहीं की होती है। तो जिंदगी में हमेशा सहज रहे, इस पॉजिटिव विचार के साथ जीवन की नई शुरुआत करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।